हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग मीनू 21। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। शाम का समय है और गर्मी भी है, इसलिए बच्चे ना अभी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं और हमारे घर हर्षी आया है। चलिए उससे बातें करते हैं, बहुत अच्छी लगती है उसकी बातें। ट्रैक्टर आया था, क्या किया ट्रैक्टर बाबू? खराब कर दिया। क्या खराब कर दिया बेटा? घर? कैसे? ट्रैक्टरों की उधर एक ट्रैक्टर फटा तो उसका भाई बुला दिया ट्रैक्टर का, एक ट्रैक्टर टूटा तो दूसरा उसका भाई बुला दिया, और वो टूटा तो वो उसका दूसरा भाई बुला दिया, फिर वो टूटा तो सारा उनकी, फिर दोनों दो दो बुरा बोला है ट्रैक्टर एक साथ, फिर उन्होंने रस्सी बांधी और एक इधर था और एक इधर था, दोनों की कुश्ती हो रही थी। दोनों की कुश्ती हो रही थी ऐसा लग रहा था। अच्छा, कोई इधर ऐसे कर रहा था, बहुत जोर लगा रहे थे। और गाइस, हमारे यहाँ ना बारिश में ना किट्टू अपने बच्चों को नीचे ले आई है, तो अभी देखिए रात में ना खाना वाना खा के मैं तो खाना भी नहीं खाई और लग गई ना इन बच्चों के लिए घर बनाने के लिए। मैं एक कार्टन तो घर में पड़ा था और एक और कार्टन मुझे चाहिए था कि थोड़ा स्पेशियस हो, नहीं कि किट्टू भी और बच्चे भी सब आ जाएं, तो मैं एक शॉप से शाम को जिम गई थी ना तो वहीं से ले कर आई, तो इन दोनों को ज्वाइन कर रही हूँ कि मतलब एक ऊपर से छत खुली रहेगी और एक कवर्ड रहेगी ना, तो दोनों साथ में सब रहेंगे और किट्टू भी उसमें आराम से लेट सकती है, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना कि रात में इन लोगों को घर के अंदर कर दिया करूँगी, तो वही श्रवण और मैं और कृष्णा तीनों ही हैं, हम लोग मिल के इसके घर बना रहे हैं। तो ये देखिए बच्चे अभी नीचे घूम रहे हैं और देख रहे हैं, हम लोग एक दरवाज़ा बनाए खिड़की, बहुत अच्छा लग रहा था। और ना फिर इन लोग भी इतना एंजॉय कर रहे हैं, बाद में ना मैंने एक की छत ऊपर से खोल दी थी, अभी तो कवर्ड की है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अभी एक हफ्ते के हैं बच्चे, और धीरे धीरे ना बाद में मैंने इनकी एक छत खोल दी थी, तो उसी में देखिए किट्टू ऊपर से कूद के बैठ जाएगी, और ये देखिए ये तीनों इसी में हैं, इतने प्यारे भी लग रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे जैसे ही घर हमने बनाया ना उसमें रहने लगे। और बच्चों, मुझे ये सब काम बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी मेरे ना ये सब काम बहुत अच्छा लगता है, कुत्ते डॉगी और स्पॉटी और किट्टू का घर वर बनाना और इन लोगों को खाना वाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए श्रवण उसके बेबी को लेके बोल रहा है मम्मा देखिए कितना क्यूट है, और सब अभी छोटे हैं तो डर रहे हैं, आवाज़ से भी डर रहे हैं, धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएंगे, अभी तो बस अपनी मम्मा का ही दूध पी रहे हैं सब। और देखिए एकदम से आराम से चले गए, उसमें से म्याऊं म्याऊं कर रहे थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। और काफ़ी रात हो गई है, रात के 11 बज रहे हैं और सब बार बार घर में से बाहर निकल आ रहे हैं, फिर हम लोग उसको अंदर कर रहे हैं। और जब चाहे ना इसका ये जो मैंने कार्टन का डोर जैसा काटा है, इसको आप चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं। और हम लोग इन हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। और अभी हो रहे हैं दोपहर के मतलब 12 बज रहे हैं, मैं लंच बना रही हूँ। देखिए मैंने दाल चढ़ाई हुई है और ये मेरी ना आलू परवल और सोयाबीन की सब्जी बनेगी, तो चलिए बनाते हैं। और हमारे यहाँ कोई आया है, उनको लंच मतलब लंच करना है, तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। तो गाइस, हमारे यहाँ ना त्वेषा आई है जो यहाँ पे हॉस्टल में एजी कर रही है, बीएससी एजी, और आज ना उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है। जैसे यूनिवर्सिटी के ना एक्सचेंज प्रोग्राम में बच्चे बाहर जाते हैं, तो मतलब एजुकेशनल टूर जैसा, तो एक महीने के लिए जाएगी, तो उसको स्टेशन छोड़ना है, हम लोग उसके लोकल गार्जियन हैं, तो वो सुबह ही आ गई थी, तो 4 बजे की उसकी ट्रेन है, तो 3 बजे हम लोग लाल कुआँ छोड़ने जाएंगे, तो उसी के लिए मैं बोली ना कि जल्दी जल्दी लंच प्रिपेयर कर लूँ कि खा के थोड़ा आराम भी कर लेगी, अभी वो मतलब लेटी ही हुई है, तो वही मैं बना रही थी। 2 सब्जियाँ मैंने बना ली हैं और दाल वाल सब। और आज ना मेरे हस्बैंड समर वेकेशन चल रहा है तो ऐसे ऑफ लिए थे, और त्वेषा भी है क्योंकि छोड़ना भी था उसको, और बच्चे तो स्कूल हैं, तो मैं सोची थोड़ा कोई भी आए तो 1-2 सब्जियां तो होनी ही चाहिए, बच्चे तो भिंडी नहीं खाते हैं लेकिन त्वेषा को ना पसंद है,
तो मैं बोली एक ये बना देती हूँ, सोया बड़ी की सब्जी बना देती हूँ, बच्चे भी आ ही रहे होंगे। अब मेरे खाना बन गया है। और गाइस ये देखिए वॉश बेसिन ना, हमारा आज ही नया वॉश बेसिन लगा है, क्योंकि पुराना वाला जो यूनिवर्सिटी का प्रोवाइडेड वॉश बेसिन था ना, वो श्रवण के हाथ से लग के टूट गया था। तो हम लोग उस दिन रुद्रपुर से लेके आए थे वॉश बेसिन, तो बच्चे आज ना उसी में, हाँ स्कूल से आती उसी में हैंड वॉश कर रहे हैं कि नए नए वॉश बेसिन का हम लोग इनॉग्रेशन करेंगे। ये देखिए तीनों लगे पड़े हैं, अभी वो अच्छे से फिक्स भी नहीं हुआ है। तो और आते ही स्कूल से बच्चों की नज़र ना बस इन्हीं सब पे पड़ती है, अरे क्या हुआ है, क्या लगा है, वॉश बेसिन लग गया, तो वही उसमें हैंड वॉश कर रहे हैं। और फिर बच्चों को भी खाना दे के हम लोग जाएंगे लालकुआ। और आज गाइस इतनी तेज़ धूप है ना कि मतलब मन नहीं हो रहा, इसलिए मैं बच्चों को भी लेके नहीं आई। और ये देखिए हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं, थोड़ी देर में ट्रेन हमारी आने वाली है। और गाइस इस व्लॉग को भी ना मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये देखिए ट्रेन भी आ गई। और गाइस आपको अगर ना मेरी बिल्लियों के बच्चों के कोई नाम सजेस्ट करने होंगे तो प्लीज़ बताइएगा। अब हम लोग उसको ट्रेन में बिठा दिए, अब हम लोग घर जा रहे हैं। धूप देख रहे हैं, इतनी तेज़ धूप थी ना गाइस की आँखें नहीं खुल रही थी बिल्कुल धूप की वजह से, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था। हम लोग सोचे कहीं चलते हैं लेकिन कहीं भी नहीं गए, क्योंकि बच्चे घर पे ही थे, धूप की वजह से ले नहीं आए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।